अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कुछ दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान ने निगरान हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी कि न्यू ईयर नाइट पर कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम, कोई गैदरिंग, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन इनको पता था, इनकी बुखलाहट नजर आ रही थी कि लोग निकलेंगे, आवाम निकलेगी, इमरान खान जिंदाबाद के नारे होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे होंगे, लेकिन इनकी बुखलाहट बिल्कुल सच थी। मैं कुछ ऐसे मनाजिर आपके सामने रखने वाला हूँ कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। मरी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पिशावर, पूरे मुल्क के अंदर, हालांकि दुबई तक पता नहीं कई घंटों तक वहां इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगते रहे हैं। कैदी नंबर 804 जिंदाबाद के नारे लगते रहे हैं। पुलिस वालों से रात कंट्रोल से बाहर हो गए थे। ये सारे मनाजिर आप खुद देख कर हैरान हो जाएंगे कि इस मुल्क के अंदर आवाम को कितना शऊर और क्यों दिया गया है। जब आपसे वोट का हक छीन लिया गया हो, जब आपको आजाद इलेक्शन ना दिए जा रहे हो, जब आपको रोज उठाया जा रहा हो, रोज मारा जा रहा हो, पुलिस गर्दी हो मुल्क के अंदर, तो फिर आवाम कोई मौका ढूंढती है, काश हमें मौका मिल जाए। मैं तो डर रहा हूं जब PSL के मैचेस होंगे तो उस वक्त आवाम क्या हाल करेगी। PSL के मैचेस शुरू होने वाले हैं, लेकिन आप ये मनाजे देखें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह ये चैनल हक और सच के साथ हो। फिर आपके सामने रखते हैं कि मौलाना साहब पर जो कातलाना हमला हुआ है उसकी असलियत क्या है, उसके पीछे पसे पड़दा क्या है, क्या कोई और प्लानिंग थी, क्या अचानक ये सारे मामला, और अपडेट आपके साथ फिर शेयर करेंगे। पहले आप ये वीडियोस देख लें। चार की वीडियो चाहिए किसी से लाजमन। मैंने आपसे क्या कहा था, होगा इस मुल्क के अंदर लोग क्या चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं। आप जबरदस्ती किसी को मुसल्लत नहीं कर सकते, कब तक करेंगे इलेक्शन। अगर खुदा ना खास्ता आप इस तरह करवा रहे हैं, अगर ये हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाती है नवाज शरीफ साहब की, तो फिर ये हुकूमत नहीं चल सकेगी, कब तक चल सकेगी। पिछले 40 साल से यही दो खानदान बरसर इक्तदार हैं, 40 साल से नवाज शरीफ हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, और उसने मुल्क का क्या कर दिया है आपके सामने है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उसके साथ मरियम और जरदारी के असासे मिलाएं तो पाकिस्तान के फॉरन रिजर्व से ज्यादा असासे इन दो बंदों के हैं। तो देखिए इस मुल्क का क्या हाल कर दिया है, इस मुल्क को खा गए हैं और फिर उन्हीं को मुसलत करने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ मौलाना साहब का मामला है। जनाब मौलाना साहब को इस वक्त जो कहा गया था कि उनका कातलाना हमला हुआ, कोई कातलाना हमला नहीं हुआ, उनका काफिला गुजरा था, उस काफिले के अंदर मौलाना साहब भी नहीं थे, वहां कहीं फायरिंग हुई है न्यू ईयर नाइट पर और वहां उन्होंने दे दिया रंग, जनाब मौलाना साहब पर हमला हो गया। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, तमाम सरदारों की हिफाजत फरमाए और मुल्क साफ शफाफ इलेक्शन और नया साल शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी तमाम अहम और जो जायज ख्वाहिशात अल्लाह ताला उनको पूरा करे, पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे और पाकिस्तान के अंदर ये साल हकीकी जमहूरियत का साल हो, और इंशाल्लाह हकीकी जमहूरियत आ करेगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत